हेलो हेलो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएमएस का कट ऑफ क्या होगा फॉर द महाराष्ट्र स्टेट। आप देख सकते हो यहाँ पर बीएमएस कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीट्स कितनी, महाराष्ट्र में कितनी सीट है बीएमएस की और एमबीबीएस की। तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में महाराष्ट्र के एमबीबीएस में सीट्स है कुछ 3000 के आसपास, और प्राइवेट में है कुछ 2500 के आसपास, ठीक है, और डीम्ड में है 1800 के आसपास। तो दिस इज फॉर द एमबीबीएस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बीएमएस। तो बीएमएस में यहाँ पर आप देख सकते हो कि अराउंड 1000 सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 23 कॉलेजेस है, और प्राइवेट में है कुछ 2500 सीट्स, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स है बीएमएस के लिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी सीट्स है, उसी के बाद हम कट ऑफ डिस्कस कर सकते हैं। बट आई थिंक सो ये जो डाटा है ये पुराना डाटा है, और इसमें कुछ एक दो कॉलेजेस ऐड हुए, तो अराउंड ये 200-300 सीट्स में बढ़ गई है। सो 200-300 सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके थ्रू कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्टली कट ऑफ पर आते हैं। अच्छा, ये जो है टॉप 10 कॉलेजेस है जो कि बीएमएस में है, तो आपको इनके लिए एम करना चाहिए, ठीक है। पुणे में जो कॉलेज है, एक मुंबई में कॉलेज है, नागपुर, एंड अगेन पुणे में एक और कॉलेज है। पुणे में एक्चुअली 2-3 कॉलेजेस है जो कि टॉप 10 में आते हैं। एक्चुअली ये काफी बढ़िया कॉलेज है बीएमएस अगर आपको करना है महाराष्ट्र में, देन दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस मुंबई में, नवी मुंबई में एंड नांदेड में। तो ये जो टॉप 10 कॉलेजेस है, तिलक आयुर्वेदिक महाविद्यालय, केजी मित्तल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, एंड दीज आर द अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। तो ये जो कॉलेजेस है ये बहुत ही बढ़िया अगर आपको बीएमएस करना है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस है। एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीएमएस इज डन थ्रू द नीट, एडमिशन इज डन थ्रू द नीट, आपको पता है, और द कट ऑफ विल बी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉलेज। आप किस तरह के कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो कट ऑफ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 420 प्लस। अगर आपके 420 से ज्यादा नंबर नहीं है देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 400 प्लस भी चलेगा, ठीक है। ओबीसी अगर आप हो तो आपको 400 प्लस मैं बोल सकता हूँ कि एक सेफ स्कोर है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। कट ऑफ क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें ये बात जानने की जरूरत है कि कट ऑफ ये होता है कि दिस इज द लास्ट मार्क जिस पर हमको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ये टॉप कॉलेजेस के लिए कट ऑफ नहीं है, दिस इज द लास्ट मार्क जिसमें आपको सबसे घटिया कॉलेज मिलेगा बीएमएस का इन द महाराष्ट्र स्टेट। अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे तब आपको एक कॉलेज तो मिल जाएगा, बट दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड कॉलेज। बट अगर आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, देन यू नीड टू स्कोर 500 प्लस, ठीक है। दीज आर द कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स मतलब वही होते हैं कि आपको कॉलेज मिल गया है बस, ठीक है। तो ये है कट ऑफ मार्क्स फॉर ओबीसी 400। एंड आप यहां पर देख रहे हो सेमी गवर्नमेंट अगर आप एम कर रहे हो तो आपको 400 प्लस फॉर जनरल एंड 360 फॉर ओबीसी। और यहां पर आप देख रहे हो अगर आप प्राइवेट कॉलेज अगर कर रहे हो तो 300 एंड 280 फॉर द ओबीसी। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आपको 280 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है देन यू नीड टू स्कोर अबाउट 400 प्लस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये भी एक टेंटेटिव डाटा ही है बट दिस इज मोर करेक्ट आई थिंक सो। अगर आपको जनरल कैटेगरी से हो और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, एक टॉप कॉलेज चाहिए आपको बीएमएस में इन महाराष्ट्र स्टेट, देन यू नीड टू स्कोर 510 प्लस। ओबीसी में अगर आपको 480 प्लस, एससी में 350 प्लस, आप मान के चलो कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो देन यू विल गेट अ गुड कॉलेज, ठीक है, इन महाराष्ट्र स्टेट 450 प्लस। एंड अगर आप मान सकते हो कि ओबीसी एससी एसटी अगर आप हो देन 420 प्लस अगर आपका स्कोर है देन यू विल गेट अ गुड डिसेंट कॉलेज इन द महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कितना जाएगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज अ टेंटेटिव एनालिसिस, दिस इज नॉट अ फाइनल एनालिसिस। यहाँ पर हम एक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है, बट अभी तक भी रिजल्ट्स आए नहीं। आपको पता है कि काउंसलिंग अभी होने वाली है, सो इसलिए यहाँ पर क्लेरिफिकेशन है कि दिस इज नॉट ऑफिशियल कट ऑफ, दिस इज जस्ट फॉर योर एनालिसिस कि आपके कितने नंबर है उसके हिसाब से तुमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। टॉप 10 कॉलेज के मैंने लिस्ट आपको बताई दिया यहाँ पर, ये टॉप 10 कॉलेज जो कि महाराष्ट्र में टॉप 10 के जो बीएमएस कॉलेज है वो कौन से हैं, तो आपको एक बार इन पे ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग के दौरान आपको इन्हीं को भरना है सबसे ऊपर, तो आपको अगर इनमें से कोई भी कॉलेज मिल जाता देन इट इज द बेस्ट कॉलेज फॉर डूइंग द बीएमएस इन द महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई नीट या फिर दूसरी जो आईसीआर की एग्जाम्स है, वेटनरी की एग्जाम्स है, नर्सिंग की एग्जाम्स है, बीएमएस वगैरह। तो इन सब के लिए आजकल मटेरियल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मतलब जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आप लोग को इतना एक्सटेंसिव मटेरियल मिल नहीं पाता,
जैसे आपका सिलेबस है उससे काफ़ी ज़्यादा हट के आपको मटेरियल मिलता है ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर कहीं और वेबसाइट्स पर। पर अगर आप एक ऑप्शन कंसिडर करते हो मेरी तरफ से, आई विल रिकमेंड अन अकेडमी। अन अकेडमी पर आप लोग को जो है बैच कोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पर आपका जो कोर्स है वो पूरी तरीके से डिज़ाइंड होता है। एक मतलब जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से ही वहाँ पर पूरे कोर्सेज चलते हैं, तो आपको एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज एंड विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में जो टॉप एजुकेटर्स है, जो टॉप के जो लोग हैं वो लोग आपको पढ़ाते हैं, टॉप के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ लाइव लर्निंग होती है, मतलब कि जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आप वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और आप उनसे कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ अन अकेडमी। यहाँ पर आप लोग अगर अन अकेडमी का प्लस वाला कोर्स लेते हो जिसमें आपको कुछ और जो फीचर्स मिलते हैं, ये सब तो मैंने आपको फ्री वाले फीचर्स बताए। जो प्लस वाले कोर्स को जो फीचर्स है उसमें आपके बैच बनाएंगे, वहाँ पर आपके बैच बनाए जाएंगे और वहाँ पर आपको जो है लाइव लर्निंग के साथ साथ वहाँ पर डाउट क्लियर होते हैं और टेस्ट सीरीज़ होती है, इतने सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अगर ऑफलाइन आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज़ देते हो तो वहाँ पर आपको जितनी कॉस्टिंग पड़ेगी उतनी इसमें टोटल जो अन अकेडमी की जो कॉस्टिंग है उतनी उसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाती है। मतलब कि अगर आप कहीं ऑफलाइन जाओगे और ऑफलाइन में आप जितना पैसा दोगे कोचिंग में, उससे अच्छा आपको और उससे अच्छे फीचर्स आपको अन अकेडमी पे मिल सकते हैं ऑनलाइन एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर पे ही बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है देन यू कैन एनेबल ऑल दिस कोर्सेज। एंड अगर आपकी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है तो हो सकता है कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो अन अकेडमी पर आप लोग ये कोर्सेज लेकर के यू कैन बाय। और अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने, इफ़ यू नीड सम डिस्काउंट और समथिंग एल्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं अन अकेडमी की तरफ से, रेगुलरली ऑफर्स आते रहते हैं काफ़ी सारे। आप वहाँ पर जाएंगे उनकी वेबसाइट पर, उनके ऐप पर, तो आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक कोड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो कोड है ARPIT10 ARPIT10 जो मेरा कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप लोग को देखने मिलता है कि 10% आपका पैसा बच गया है। जैसे कि अगर कोई कोर्स है मान लीजिए 50,000 का, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो 5,000 रुपीज़ आपका वहाँ पर इंस्टेंटली ऑफ हो जाएंगे। तो ये आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, और आई होप कि आप सभी लोग इसका पूरी तरीके से उपयोग लेंगे। बिकॉज आज के दुनिया में आपको कोई भी अगर एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे YouTube पे भी आप कोई चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको एक जगह पर वो मिलना बहुत मुश्किल है। पूरा कोर्स आपको एक ही जगह मिल जाए, टॉप एजुकेटर्स भी एक जगह मिल जाए, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाए, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाए, तो ये सब कुछ एक जगह पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अन अकेडमी ने ये सारी चीज़ों को एक जगह ला दिया है एंड एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट दे आर ऑफरिंग यू द बेस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। तो आई होप कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर से अन अकेडमी प्लस को ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू अगर आप बाय करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप लोग मेरा कोड ज़रूर लगाना, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे और उससे अन अकेडमी को भी फ़ायदा होगा। ARPIT10 कोड है मेरा, ARPIT10 इज़ माई कोड। आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल बेनिफिट यू इन फाइनेंशियल वेज ऑल्सो। और इतने आपको यहाँ पर थोड़े से 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं ARPIT10। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।